नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। क्या कभी आपने सोचा है मुंबई से शिरडी आप एक घंटे में पहुंच पाओगे और मुंबई से नागपुर सिर्फ 3 घंटे में? हाँ, ये पॉसिबल है। अभी आने वाले मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर है, मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का रूट लेंथ 741 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट का DPR प्रिपेयर किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन NHSRCL द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1.70 लाख करोड़ रुपीज़ है और ये पूरी तरह मैक्सिमम एलिवेटेड रूट है। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद में समय की काफ़ी बचत होगी। मुंबई से नागपुर सिर्फ 3.5 घंटे में पहुँच पाएंगे और मुंबई से शिरडी जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे, जो अभी 6 घंटा लगते हैं। ये प्रोजेक्ट समृद्धि हाईवे को पैरेलल है, इसलिए इसमें लैंड एक्विजिशन का ज़्यादा इशू नहीं है। अभी देश में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है और जो प्रपोज 6 प्रोजेक्ट है उसमें से ये एक मुंबई नागपुर है। इसका रूट मैप आप देख सकते हैं, मुंबई से नागपुर। ये महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट में से जाता है और लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट को ये बेनिफिशियल है, मतलब 13 जिलों को ये बेनिफिशियल है। इस प्रोजेक्ट का रूट अलाइनमेंट 68% पैरेलल टू समृद्धि महामार्ग है, मतलब समृद्धि महामार्ग के पैरेलल ही इसका रूट है, तो इसलिए इसका लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा हो चुका है और अभी 1250 हेक्टर्स लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत है। समृद्धि महामार्ग के पहले 2 फेज का काम कंप्लीट हुआ है। ये बुलेट ट्रेन का स्पीड मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है, ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है और इसका ट्रैक गेज है स्टैंडर्ड गेज 1435 मिलीमीटर का और इसमें ट्रेन कैपेसिटी है 750 पैसेंजर्स की। आज के डेट में मुंबई से नागपुर जाने के लिए लगभग 12 से 15 घंटे लगते हैं। ये रूट होने के बाद में 3.5 घंटे लगेंगे। ये एक इको फ्रेंडली और फ्यूल एफिशिएंट प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम सेविंग बहुत है, उसके साथ ही रोड का ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा और ये फास्ट और कंफर्टेबल ट्रैवल होने की वजह से बहुत लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी 2027-2028 के बीच में कंप्लीट होने की उम्मीद है और इस मुंबई नागपुर प्रोजेक्ट का DPR कंप्लीट हुआ है और रेलवे बोर्ड को उसको सबमिशन किया गया है। अभी रेलवे बोर्ड उसका स्क्रूटनी करेगा और उसका लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद में उसके ऊपर एक्शन लेगा। इस रूट में लगभग 15 स्टेशन प्रपोज किए गए हैं, मुंबई, थाने, शाहपुर, इगतपुरी, नासिक, शिरडी, संभाजीनगर, जालना, मेकर, मालेगांव, कारंजा, लाड, पुलगांव, वर्धा, खापरी और अजनी। इस प्रोजेक्ट का फेयर स्ट्रक्चर अभी डिसाइड नहीं है, फिर भी इंडियन रेलवे के फर्स्ट क्लास AC फेयर से 1.5 गुना ज़्यादा इसका फेयर हो सकता है। इस रूट का ऑफिशियल फेयर स्ट्रक्चर, प्राइजेस, रूल्स, ये इसका जब कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होगा उस समय डिसाइड किया जाएगा। मुंबई नागपुर ट्रेन में थाने एक ऐसा एक बड़ा स्टेशन होने वाला है जो मुंबई अहमदाबाद और मुंबई नागपुर दोनों को कनेक्ट करेगा, एक जंक्शन हो जाएगा और एक बहुत अच्छी तरह से इसको डेवलप किया जाएगा। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बुलेट ट्रेन केवल परिवहन के बारे में ही नहीं, यह एक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक है। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन परियोजना सिर्फ रेलवे ही नहीं, यह प्रगति, नवाचार और बेहतर कल का प्रतीक है। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन परियोजना अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
भारत का जो हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमिक कंट्री है, इसके लिए हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है, दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाएंगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से ये एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और बिजनेस में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। रियल इस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। ये ओवरऑल वो पर्टिकुलर एरिया का फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। With renewable energy sources and sustainable practices, we are reducing our carbon footprints. मुंबई अहमदाबाद भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जिसका काम अभी जोरों से चल रहा है। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है। ये फ्यूचर प्लान है, बुलेट ट्रेन फ्यूचर प्लान भारत में आने वाले प्रोजेक्ट्स का। अभी फिलहाल 6 रूट्स पे बुलेट ट्रेन प्लान है, उसमें दिल्ली वाराणसी, दिल्ली टू अहमदाबाद, मुंबई टू नागपुर, मुंबई टू हैदराबाद, चेन्नई टू मैसूर और दिल्ली टू अमृतसर। ये रूट पे अभी काम चल रहा है, इसका DPR वगैरह स्टेज चल रहा है। इस हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी वजह से रियल इस्टेट में काफ़ी ग्रोथ होगी, महाराष्ट्र के 13 ज़िलों में काफ़ी डेवलपमेंट होगी। बुलेट ट्रेन जहाँ जहाँ से गुजरेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, उसके आसपास के जिलों में भी काफ़ी डेवलपमेंट होगा। मुंबई से नागपुर ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, 9 से 10 घंटा लगभग कम हो जाएगा। अभी DPR स्टेज में है, अभी बहुत ही जल्द इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन लेने की उम्मीद है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, उस एरिया का काफ़ी तेज़ी से विकास हो जाएगा। जैसे पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और जो भी 10 डिस्ट्रिक्ट और बेनी अदर सराउंडिंग 3 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 13 जिला का काफ़ी अच्छे से विकास हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बुलेट ट्रेन का काम जल्दी से शुरू हो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।